हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बजट 2020-21 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि राइटर डॉक्टर राजीव द्वारा दर्शाया गया है। इस बजट में बताया गया है कि इस बजट के जो विषय हैं वो तीन हैं, जिसमें कि आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला समाज। देखभाल करने वाला समाज से क्या मतलब है लेखक का? लेखक का मतलब देखभाल करने वाले समाज से है कि ऐसा समाज जो जिम्मेदार समाज हो, भारत की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की कल्पना को भी समान उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ साथ उच्च स्तर के जीवन को प्रदान करने के लिए अग्रसर रहे, ऐसे समाज से लेखक का तात्पर्य है। इस बजट में लेखक द्वारा बताया गया है कि हाल के समय में कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलापों को उतार चढ़ाव देखना पड़ा। हालांकि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए भी प्रतिबद्ध थी, बजट में 16 प्रमुख बिंदुओं पर काम किया गया है, जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लगभग सही पहलुओं को शामिल किया गया है। अब ये जो 16 पहलू हैं, ये कौन से 16 पहलू हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो 16 सूत्री कार्य योजना है, उसके तहत किसानों की आय को दोगुना करना, भंडारण और ढुलाई की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ नीली अर्थव्यवस्था। अब नीली अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? यहाँ पर नीली अर्थव्यवस्था है जो कि मत्स्य पालन से रिलेटेड होती है। जो भारत के समुद्री तटीय मैदान हैं, वहाँ पे मछली पालन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। फिर उसके बाद खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डे तैयार करने की बात की गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की जाएगी और उत्तर पूर्व जनजाति आबादी वाले जिलों के संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की गई है, जिसके तहत नवाचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइक IIoT, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी बताया गया है। ऐसे कई पहलू हैं जो कि नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा को तैयार करेगी। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकेगा। इस बजट में कृषि आधारभूत संरचना, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। स्वच्छता के मोर्चे पर बात की जाए तो सरकार खुले में शौच से मुक्ति के मामले में हासिल की गई सफलता को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सुधारों के जरिए शिक्षा और कौशल विकास को अहमियत दी गई है। उच्च शिक्षा से जुड़े तकरीबन 150 संस्थान, अब ये 150 संस्थान कौन से हैं जो कौशल संबंधी प्रशिक्षण वाले हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कोर्स कराना, डिग्री कराना, अलग अलग तरह के ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करना, साथ ही आरक्षी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर फॉरेंसिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के अध्ययन के लिए फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी ने 28 फरवरी 1948 को अपने पहले बजट भाषण में महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा था कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। और आज यही आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सही दिशा में कोशिश के साथ साथ अपनी नीति और आकांक्षाओं को लेकर सकारात्मक है। और इस बजट में बताया गया है कि बजट का लक्ष्य मूल्य श्रृंखला के लिए शुरुआत से अंत तक समर्थन प्रदान करना और गोदाम भंडारण और विकास पर जोर देना भी है। नीली अर्थव्यवस्था मैंने बताया, नीली अर्थव्यवस्था मत्स्य पालन से समुद्री तटीय किनारों पर ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन कराना, साथ ही उसके माध्यम से भारत के तटीय क्षेत्रों के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाना, भंडारण के लिए कोल्ड सप्लाई चेन बनाना
और भारतीय रेलवे की मदद से रेफ्रिजरेटर कोच को शुरू करना और ख़राब हो जाने वाले उत्पादकों के भंडारण और उपयोग होने तक की अवधि में सुधार की दिशा में उठाए गए कदम स्वागत योग्य हैं। इस बजट में बताया गया है कि जो प्राप्तियां हैं राजस्व से और पूंजी से, और जो व्यय किए गए हैं राजस्व से और पूंजी से, उसका क्या डिफरेंस है। जो घाटे की प्रवृत्ति है राजकीय कोष की, या जो कि हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, वो बताया गया है। आइए देखते हैं, जो 2018-19 की बात करते हैं, जो कि वास्तविक बजट था, इसमें जो राजकीय घाटा था वो 3.4% ऑफ जीडीपी था, और जो राजस्व घाटा था वो 2.4% था। इसके साथ प्रभावी राजस्व जो घाटा था वो 1.4% था, साथ ही प्राथमिक जो घाटा था वो 0.4% था। फिर बात करते हैं 2019-20 की, जो कि अनुमानित बजट था। इसमें जो अनुमान था कि राजकीय घाटा जो होगा वो 3.3% ऑफ जीडीपी होगा, इसके साथ ही जो राजस्व घाटा होगा वो 2.3% ऑफ जीडीपी होगा, और जो प्रभावी राजस्व घाटा होगा वो 1.3% ऑफ जीडीपी होगा। प्राथमिक घाटा इसमें 0.2% ऑफ जीडीपी दर्शाया गया था। इसके साथ 2019-20 में जो संशोधित अनुमानित बजट था, उसमें जो जीडीपी का परसेंटेज था, उसका जो राजकीय घाटा का जीडीपी परसेंटेज था वो 3.8% था, राजस्व घाटा 2.4% था, प्रभावी राजस्व घाटा 1.5% था, और प्राथमिक घाटा जो था वो 0.7% था। फिर बात करते हैं बजट 2020-21 की, जो कि अनुमानित बजट था। यहाँ पे 3.5% था वो राजकोषीय घाटा था, 2.7% राजस्व घाटा था, 1.8% प्रभावी राजस्व घाटा था, 0.4% प्राथमिक घाटा था। अब यहाँ पे जो राजस्व से प्राप्तियाँ हुई हैं वो जो 2018-19 में थी, जो कि वास्तविक बजट था, वो 15,52,916 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही 2019-20 के जो बजट के अनुमानतम था वो था 19,62,761। ये राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहा हूँ, जो कि ये जो नंबर बोल रहा हूँ वो करोड़ में है उसकी कीमत। इसके बाद ही जो संशोधित अनुमान था 2019-20 का वो था 18,50,101 करोड़ रुपए। इसके बाद जो 2020-21 के लिए बजट जो अनुमानित पेश किया गया था वो था 20,20,926 करोड़ रुपए। ये राजस्व प्राप्तियां थीं। साथ ही जो पूंजी प्राप्तियां थीं वो इस प्रकार थीं कि 2018-19 की जो वास्तविक पूंजी प्राप्तियां थीं वो 7,62,197 करोड़ थी। जो 2019-20 की जो अनुमानित बजट था उसकी जो पूंजी प्राप्ति थी वो 8,23,588 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही जो संशोधित अनुमानतम बजट 2019-20 का आया था उसकी जो पूंजी प्राप्तियां थी वो 8,48,451 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही जो 2020-21 का अनुमानतम बजट था, जो कि अनुमानतम है, वो थी 10,21,304। इसके साथ ही जो राजकीय व्यय हुआ था वो 2018-19 के लिए 20,07,399 करोड़ रुपए। जो राजस्व का था, ये व्यय है, ये राजस्व का व्यय मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें जो 2019-20 के लिए बजट अनुमानित था वो व्यय जो हुआ है वो हुआ है 24,47,780। अब यहाँ पे जो राजस्व आए थे वो क्या थी, 19,62,761। जो व्यय था वो 24,47,780। साथ ही जो 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानतम बजट पेश किया गया था उसका जो राजस्व व्यय था वो था 23,49,645 करोड़ रुपए। और जो 2020-21 के लिए बजट का अनुमानतम था वो था 26,30,145 करोड़ रुपए। आई होप आपको ये बजट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बजट की नेक्स्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसके आगे चलेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ इसमें बेसिक लेवल की जो छोटे बच्चों के लिए उसके लिए कुछ कोर्स भी अप्लाई किए गए हैं, जिस पे कि वो कंप्यूटर, फिजिक्स, ज्योग्राफी भी सीख सकते हैं। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।